उत्तर प्रदेश में 2022 हजार बाईस में शादी चलेगी इस डर की वजह से सवर्ण लोग गिनती नहीं कराना चाहते जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं झूठ का पुलिंदा हम नहीं कह रहे जनता खुद कह रही है और तो समाजवादी पार्टी कोई एक जात विशेष की पार्टी नहीं है ये सर्व समाज की पार्टी है अब वो डंडा के बल पर सरकार चला रहे हैं कानून व्यवस्था का नाम खत्म हो गया है और इन लोगों को तो एक बड़े बड़े कालेज खुलवा देना चाहिए झूठ बोलने का अनुभव देने किसान भूखों मर रहा है किसान धरना पर बैठा हुआ है नमस्कार दोस्तों मैं सुमित यादव आप देख रहे हैं दासुनामी का चुनावी सफर और आपको हम तस्वीर पूर्वांचल की पिछले कुछ हफ्ते से दिखा रहे थे इस समय हम लोग मौजूद हैं इलाहाबाद में और आगे की तस्वीर जो भी होगी वो हम दिखाएंगे और इलाहाबाद में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम सेवक पटेल जी के हैं इनका क्या राजनीतिक करियर पहले रहा तीन बार बहुजन समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी में हैं और अब 22 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं हम लगातार इसकी चर्चा पिछले दो महीने से कर रहे हैं लोगों के बीच से भी और तमाम और जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे उनसे भी बात करके हमने आपको बताया कि आगे की क्या तैयारी 2022 की समाजवादी पार्टी की है और हमारे साथ राम सेवक पटेल जी हैं इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या पुराना राजनीतिक करियर और कैसे बसपा से सपा में आना हुआ तमाम चीज़ों पर बात करेंगे सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया सर मद तो पहले तो वही बताएं कि कैसे शुरुआत हुई और क्यों आना पड़ा राजनीति में क्योंकि मानवर काशी साहब जब पूरे प्र... प्रदेश और देश का दौरा कर रहे थे उस समय हमारी उनकी मुलाकात हुई और जो उनकी सोच थी वो उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मिलती थी वो दलित पिछड़ों के हितों की बात करते थे इसलिए हम उनसे जुड़े और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम राजनीति में आ जाओ हम राजनीति में आ गए और काफ़ी लंबे अरसे तक उनके साथ काम किया और उनके साथ जो काम करने का अनुभव रहा वो बहुत सही रहा रहा सवाल आपका कहना है कि आप बहुजन समाज पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में कब से आ गए बहुजन समाज पार्टी में जब पैसे का मामला आ गया पैसे के बल पर टिकट मिलने लगा और वो अपने दिशा से भटक गए मायावती अपनी दिशा से भटक गए मनवर कांसी राम के हटने के बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो गद्दावर नेता थे जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी थी जिन लोग शोषित समाज के लोगों को जगाया था और ये तीन तीन बार मुख्यमंत्री मायावती को बनाया लेकिन वो अपना रास्ता भटक करके पैसे पर आ गई और पैसा लेकर टिकट देना शुरू किया हम लोगों को समझ में बात नहीं आई कि हम लोग होल टाइमर राजनीति करते हैं और पैसा कहाँ से पाएंगे देंगे यही तमाम बातों को लेकर के हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके और माननीय मुलायम सिंह चूँकि पिछड़ों के नेता थे और हमेशा पिछड़ों की बात किया करते थे राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को मानने वाले लोग थे ये साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव राम अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलते थे इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि इससे बढ़िया कोई पार्टी अब नहीं हो सकती है और बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह यादव उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके साथ आ कर के काम करना शुरू कर दिया आ, मुलायम जी के साथ ही हैं आप उन, उनके समय से राजनीति में सपा में आए आपने लोहिया जी की बात करी तो लोहिया जी और मुलायम आ, की जो राजनीति थी उसको आगे अखिलेश जी ले जा पा रहे हैं या नहीं उसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो हाँ उसको अखिलेश आगे ले जा रहे हैं निश्चित रूप से ले जा रहे हैं इसलिए कि राम मनोहर लोहिया का कहना था कि पिछड़े पावे सौ में साठ तो माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो हैं उनकी भी चाहत यही है, है कि पिछड़ा पाए सौ में साठ और पिछड़ा पाए सौ में साठ के नारा के आधार पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 2022 में साइकिल चलेगी और माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे पिछड़ा संगठित हो रहा है और आप भारतीय जनता पार्टी के संबंध में देख ही रहे उनकी विचारधारा देख रहे हैं लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ है इससे एकदम उजागर हो गया है कि उनकी विचारधारा किसानों के प्रति क्या है पिछड़ों के प्रति उनकी चाहत क्या है उनकी सोच क्या है इसलिए निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे और बड़े पैमाने पर बनेंगे 300 प्लस सीट जीत करके समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में आएगी जब हम ये बात करते हैं 300 सीट की जो आप बात हैं उस पर मैं भी आऊँगा लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि मुलायम माननीय मुलायम सिंह नेताजी बात करते थे पिछड़ों की बात करते थे अखिलेश्वरी जी को आगे ले जाते हुए पिछड़ों की बात कर रहे हैं तो जब पिछड़ों की बात हो रही है तो ब्राह्मण सम्मेलन और ब्राह्मण वोट की और ब्राह्मण चेहरे की हमें कहाँ जरूरत पड़ती है हम जरूरत की बात कहाँ करें उनकी आवश्यकता है उनकी आवश्यकता है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलते हैं और कहते हैं कि हम लोग भी काम करेंगे तो उनको भी काम करने का मौका दिया जाता है अपना वो काम करें कहाँ उनको रोका जा रहा है hmm. और समाजवादी पार्टी कोई एक जात विशेष की पार्टी नहीं है ये सर्व समाज की पार्टी है चाहे वो अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो चाहे बैकवर्ड हो हर समाज के लोगों को लेकर के समाजवादी पार्टी बनी है और हर समाज के लोगों को लेकर के समाजवादी पार्टी काम कर रही है और आगे बढ़ रही है पिछड़ा इसलिए ज़्यादा है चूँकि राम मनोहर लोहिया ने यह बात कहा था कि पिछड़े पावे सौ में साठ इसलिए इस नारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस नारा को लेकर के चल रहे हैं इनके साथ ठाकुर भी जुड़ा है ठाकुर भी काम करे ब्राह्मण भी जुड़ रहा है ब्राह्मण भी जुड़े किसी को हटाने और निकालने की बात नहीं होती है यहाँ पर जो भी लोग काम करना चाहते हैं जो भी समाजवादी विचारधारा से मिलकर अपना सहयोग देना चाहते हैं काम करना चाहते हैं वो लोग काम करें किसी को रोक थोड़ी है सर तो फिर आप अभी क्योंकि आप बात कर रहे थे कि तीन सौ प्लस समाजवादी पार्टी इस बार बाईस में लेके आ रही है लेकिन तमाम अपने इंटरव्यूज़ में अखिलेश जी दावा चार सौ का कर रहे हैं अब ये उनका दावा वही हो सकता है हमारा दावा कमज़ोर है हम चूँकि पूरे प्रदेश का दौरा तो किया नहीं है लेकिन हम जो दो तीन मंडलों का दो तीन जगह घूम के देखे हैं मंडलों में वहाँ पर जो हमने देखा उसको कहा और उन चूँकि वो प्रदेश के नेता हैं देश के नेता हैं पूरे देश का दौरा कर रहे हैं वो चार सौ पच्चीस सीट का दौरा कर रहे हैं उनको निश्चित चार सौ प्लस की बात उनके समझ में आती होगी हमसे बड़े नेता हैं हमसे ज़्यादा उनको अनुभव है उनको जानकारी है उनके पास तमाम तरह के और सूत्र हैं तो उनका कहना सही है समाजवादी लेके हाँ चार सौ चार सौ प्लस समाजवादी होगी ज़्यादा नहीं है तीन सीट खाली किसके लिए छुट्टी थी <laughs> वो तीन सौ तो सीट किसी को मिल जाएगी उसके बाद भी हो जाएगा ले जाएगा वो इसको को मिलेगी इसको क्या कहा जाए तो समाजवादी इस बार अगर आपको जानकारी हो तो समाजवादी इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं क्योंकि छोटे दलों से गठबंधन की बात लगातार अखिलेश जी कर रहे हैं ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जानेंगे इस संबंध में हमारी कोई जानकारी नहीं है ये हमारे स्तर का काम ही नहीं है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर का काम है और किसको कहाँ तक जोड़ेंगे किसको कितनी सीटें देंगे और कितने सीटों पर आप खुल लड़ेंगे अच्छा फिर एक एक सवाल ये है कि 2017 के जब चुनाव हुए एक नारा दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि काम बोलता है 2022 में भी समाजवादी पार्टी वही बात कर रही है और वही अपने काम जो दो में गिनाए वही दो में भी गिना रही है कि हमने ये काम किए थे तो जब उन कामों के लिए वोट सत्रह में नहीं मिले तो आपको ये उम्मीद है कि सब बाईस में उन कामों के लिए वोट मिलेंगे क्या देखिए दो हज़ार सत्रह दो हज़ार बाईस में बहुत अंतर है झूठ का पुलिंदा बोल करके झूठ बोलने में माहिर है हमारे यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों आदमी झूठ बोलने के माहिर हैं और इन लोगों को तो एक बड़े बड़े कॉलेज खुलवा देना चाहिए झूठ बोलने का अनुभव देने का झूठ बोल करके उसी में जनता भ्रमित हुई और उसी आधार पर उसने इतना वोट दिया क्योंकि 2017 के बाद चार साल पाँच साल में उनके कारनामे क्या हैं वो देखा आज स्थिति किसानों की ये है कि रात भर किसान केवल खेत की रखवाली करता है जानवरों को रोकता है कि हमारा हमारी फसल न चल जाए जैसा उन्होंने कहा था कि हम सबको काम देंगे सबको रोज़गार देंगे तो योगी जी सबको रोजगार दे रहे हैं रात भर किसान अपना खेत रोक रहा है अपना खेत की रखवाली कर रहा है सो नहीं पा रहा है दिन भर लड़के करते हैं औरतें करती हैं और रात को उनका काम है वो कर अपनी खेत खेत की रखवाली कर रहे हैं तो पूरे देश की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं किसान भूखों मर रहा है किसान धरना पर बैठा हुआ है बिल वापस नहीं हो रहा है हमारा कहना यह है कि जब हमारी आपके बिल की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं तो आप हमको जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं हाँ हम, हमको भूख नहीं लगी हमको खाने की इच्छा नहीं है इस समय तो आप जबरदस्ती क्यों खाना दे रहे हैं हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे तो इस तरह के उनके काम है कि आप जो लखीमपुर खीरे का कांड देख रहे हैं तमाम इस तरह के कांड देख रहे हैं कानपुर वाला कांड आपने देखा होगा तो कि व्यापारी को मार मार दिया गया कोई भी वर्ग चाहे वो किसान हो चाहे व्यापारी हो चाहे छात्र हो चाहे नौजवान हो कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है खुशी नहीं है अफसोस इस बात का है कि परिवार का मुखिया किसी न किसी को संतुष्ट रखता है लेकिन ऐसे मुखिया बने हैं कि पूरे प्रदेश और देश का कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है आज एक व्यापारी जो था जिसके बल पर भाजपा मानी जाती थी कि व्यापारी उनका मतदाता है मूल वोट है बड़े व्यापारी छोड़ के छोटे व्यापारी भी आज की तारीख में संतुष्ट नहीं है जो जी से दुखी है परेशान है उनके काम पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं और पुलिस नाम की चीज़ पूरे प्रदेश में है, है। ही नहीं गुंडा राज कायम है इतनी बड़ी गुंडाई कभी नहीं हुई किसी सरकार में नहीं हुई है तो शुरुआत में आपने कहा कि झूठ का पुलंदा सरकार ने बांधा हमने बड़े बड़े बैनर शहरों में देखे लखनऊ और दिल्ली में कि चार लाख युवाओं को रोज़गार दिया गया डेढ़ करोड़ युवाओं को एम के जरिए रोज़गार मिला किसान खुशहाल हो गया तमाम दावे सरकार होर्डिंग्स और बैनर के माध्यम से कर रही है और इस बार फिर वही होर्डिंग्स और बैनर वाली सरकार जैसा कि आप कह रहे हैं कि झूठे वाली झूठ की सरकार झूठ की यूनिवर्सिटी अखिलेश जी बोलते हैं तो इसको आप समझा पाएंगे जनता को या समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं समझा लिया जाएगा समझा नहीं रहे खुद जनता कह रही है झूठ का पुलिंदा हम नहीं कह रहे जनता खुद कह रही है चाहे आप बताइए जिसे उन्होंने काम रोजगार दे दिया तो जो मनरेगा में काम करता है उसको भी स्वरोजगार से जोड़ दिया उन्होंने जो मनरेगा में काम मजदूर कर रहा है उसको भी उसी रोजगार से जोड़ दिया जो रात भर खेत की रखवाली करता है उसको भी उसी रोजगार से जोड़ दिया तो जब इस तरह से जोड़ा जाएगा तो तो निश्चित रूप से लिखा पढ़ी में कागज़ में तो दिखाई देगी, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है थ्योरी क्या है ज़मीन पर धरातल पर क्या हो रहा है उसको किसान समझ रहे किसान देख रही जनता समझ रही है ऐसा नहीं जनता बेवकूफ़ है नहीं समझती है आप 2022 में देख लीजिए क्या इनके दिन आएंगे कौन सी स्थिति बनेगी अब ये सत्ता उनके हाथ में है ताकत है डंडा है अब वो डंडा के बल पर सरकार चला रहे हैं कानून व्यवस्था का नाम खत्म हो गया है जो उनकी मर्जी है ये लोकतंत्र नहीं रह गया राजतंत्र हो गया इस तरह पहले के जमाने तो, में ये तो कहते ही है कि ठोको वाली सरकार है जब ठोको सरकार है तो ठोक रहे हैं सबको देख रहे हैं जनता सुन नहीं रही समझ नहीं रही है जनता ठोंको सरकार की बात सुन रही हो एक मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करता है ठोंको शब्द का जिसकी मर्यादा खत्म हो जा रही है मुख्यमंत्री की मर्यादा खत्म हो रही है तो ऐसा नहीं है देश की बड़ी दुर्दशा है और जनता समझ रही है एक बात ज़रूर है कि मोदी और योगी मिलकर के ये काम करके जा रहे हैं कि आने वाले समय में भविष्य में कई सौ वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी ये दोनों लोग भारत भाजपा को ले चले जाएंगे सत्ता बहुत दूर दूर तक नाम नहीं होगा वही फिर जैसे आज के बीस साल पहले पाँच सीट तीन सीट चार सीट की बात होती थी उसी तरह भाजपा के लिए दो सीट तीन सीट चार सीट की बात होगी मोदी जी तो ख़त्म कौन करेगा समाजवादी पार्टी ख़त्म करेगी जनता ख़त्म करेगी और समाजवादी पार्टी का जो काम है जो समाजवादी पार्टी किसान के लिए करती है मजदूर के लिए करती है नौजवान के लिए करती है लड़कों के लिए करती है रोजगार देती है नौकरी देती है कि, तो ये निश्चित रूप से जब वो काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव उनको ख़त्म कर देंगे और उन चूँकि उन, उनकी विचारधारा इस तरह की है माननीय अखिलेश यादव की कि जनता अपने आप ख़त्म कर देगी जब जनता पूरी पूरी जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी उनको चाहती है तो निश्चित रूप से अपने आप मोदी योगी भाग जाएंगे किसानों की बात करते हैं मैं अभी फिर केंद्र की राजनीति पे आऊँगा कि आप किसानों की बात करते हैं आज ग्यारह महीने किसानों को धरना देते हुए हो रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर तमाम बॉर्डर्स पर हम लोग भी रहे तस्वीरें हम लोगों ने भी दिखाई उस चीज़ की और एम और तीनों कानून की वापसी की जो मुख्य मांग है उस आंदोलन में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों के लिए क्या योजना आपके पास है समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आ जाएगी तो किसानों के लिए इसे जो आज अनाज धान खरीद बिचौलिया के लोग कर रहे हैं डायरेक्ट उनकी धान खरीदे के, केंद्र पे होगी इनके खाद के रेट कम कर दिए जाएंगे जो आज पाँच किलो यूरिया और डीएपी खाद कम कर दी गई है हर बोरी में उसको पूरा करेंगे और फिर ये कहने की बात नहीं है माननीय संरक्षक महोदय हमारे जो मुख्यमंत्री थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव तो उन्होंने सिंचाई माफ़ किया या इस बात को कोई जानता नहीं क्या कि, कि सिंचाई किसने माफ़ किया मुफ़्त पढ़ाई कराया मुफ़्त दवाई दिया तो किसानों के प्रति हमेशा से माननीय मुलायम सिंह की ये विचारधारा थी और योजना थी और वही योजना माननीय अखिलेश यादव जी हैं मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो निश्चित रूप से किसानों के हित का काम करेंगे हर तरह की सुविधा जो किसानों की होनी चाहिए वो सारी सुविधाएँ दी जाएंगी और जो कानून है कानून हट नहीं लागू करेंगे भाई जब किसान कहता है कानून हटा दिया जाए काला कानून तो उनको हटाने में क्या दिक्कत है अगर वो हमारे सरकार बनेगी वो कहते हैं कि ये कानून हमारे हित में नहीं है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हटा देंगे इनमें कौन कहने की बात है और उनके हित का काम करेंगे तो फिर जब हम केंद्र की बात करते हैं और आप भाजपा को हटाने की बात करते हैं तो केंद्र में भाजपा का विकल्प और नरेंद्र मोदी का विकल्प फिर आप किसको को समझते देखिए ऐसा है कि अभी हम नहीं कह रहे हैं लेकिन अगर पूरा विपक्ष इकट्ठा होता है तो कांग्रेस निश्चित विकल्प के रूप में आएगी इस बार और उसमें हमारी भागीदारी रहेगी माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव जो हमारे संरक्षक हैं उनका उसमें भागीदारी रहेगी और उन्हीं के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी प्रधानमंत्री कौन बनता है ये तो हम नहीं कह सकते लेकिन अगुवाई माननीय मुलायम सिंह यादव की ही केंद्र में होगी उसको कोई नहीं रोक पाएगा बिना उनके अगुवाई के बिना समाजवादी पार्टी के अगुवाई के बिना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विचारधारा से कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में सरकार बनाने की हिस्सा नहीं रहेगा जब भी सरकार भारत सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनेगी और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की रास्ता जाती है क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा सांसद है और सबसे ज़्यादा सांसद इस बार हम लोग जीत करके आएँगे निश्चित रूप से तो जब हमारी सर साफ ज़्यादा होंगे तो हमारे विचारधारा के अनुरूप सरकार बनेगी इसको हम चाहेंगे उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे बात में आपने पिछड़े पावे सौ में साठ की बात करी जो कि लोहिया जी ने कहा था और उसके बाद 2021 चल रहा है जाति का जनगणना होनी थी 2011 के बाद 2021 में होनी थी लेकिन सदन में साफ़ तौर से सरकार ने मना किया कि हम का जनगण जनगणना नहीं कराएंगे आप और समाजवादी पार्टी आपकी व्यक्तिगत रूप से इस पर आप क्या सोच जाति जनगणना होना चाहिए जाति जनगणना इसलिए नहीं लोग कराना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो पिछड़ा है पिछड़ा की संख्या इतनी ज़्यादा है और अगर उनको अपने ताकत का एहसास हो जाएगा जैसे बजरंग बली को ताकत के एहसास कराना पड़ता था उसी तरह पिछड़े वर्ग को और उसके ताकत का एहसास करा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में पिछड़े के दलितों के अल्पसंख्यकों की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश नहीं भारत सरकार में के, केंद्र के प्रधानमंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे साफ सब कुछ पिछड़ा वर्ग दलित का हो जाएगा इसलिए इस डर की वजह से सवर्ण लोग गिनती नहीं कराना चाहते जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं हमारी चाह मनसा तो ये है कि पूरे प्रदेश और देश में जाति जनगणना होनी चाहिए उससे समाज का हित होगा लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि फिर जाति का जनगणना होने से जातिवाद और फैलेगा जिसको हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं जातिवाद खत्म करने का प्रयास केवल पिछड़ा वर्ग लोग करते हैं सामान्य लोग कहते नहीं करते हैं सामान्य वर्ग के लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं हैं करते हैं आप यहीं इलाहाबाद में देख लिया जिला पंचायत का चुनाव हुआ है ज़िला पंचायत के चुनाव में केवल सवर्ण बैकवर्डों का वोट ले लिया भाजपा ने और सवर्ण जो जो समाजवादी पार्टी का सवर्ण था वो भी सवर्ण भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया इसको कोई चोरी नहीं सब लोग जानते पूरे इलाहाबाद जनपद के लोग जानते हैं के लो जानते, प्रदेश के लोग जानते हैं तो जातिवाद तो वो करते हैं वो कहते नहीं वो कर कर देते हैं हम लोग कर, करते भी नहीं हैं केवल हल्ला मारते हैं कहते हैं और करते नहीं हम लोग तो आखिरी सवाल चुनाव को अब तीन चार से पाँच महीने रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्या तैयारी है अपनी अपनी विधानसभा हमारी विधानसभा की पूरी तैयारी हम बूथ पर हर बूथ पर वोट बढ़ा रहे हैं लगभग लगभग इस समय तीन सौ पचहत्तर बूथ हैं लगभग तीन सौ बूथों पर हमारे वोट सौ वोट डेढ़ सौ वोट से लेकर के तीन तीन चार चार सौ वोट हम बढ़ाए हैं और बड़े पैमाने पर पिछड़ा वर्ग शेड्यूल कास्ट को और वर्ष संख्यक को जोड़ा है सब जोड़ करके मिल करके और निश्चित रूप से इस बार समाजवादी पार्टी सरकार सरकार मेजाम बनेगी वहाँ का विधायक समाजवादी पार्टी का होगा बहुत शुक्रिया तो ये थे हमारे साथ राम सेवक पटेल जी पूर्व विधायक हैं और आपने सुना कि खास तौर से जो पिछड़े वर्ग की राजनीति पिछड़े वर्ग को साथ लेकर चलने की पिछड़े वर्ग को आगे लाने की जो राजनीति है जो कि मुलायम सिंह और पहले अपनी लोहिया जी से देखा कि क्या किस तरीके की राजनीति उन्होंने करी तो उसी को आगे ले जाते हुए राम सेवक पटेल जी पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे उसके बाद जब वहाँ से स्थिति बिगड़ने लगी और तो समाजवादी पार्टी में आना हुआ तो इन्हीं कुछ तस्वीरों के साथ मैं ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ और आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और जगह से कुछ और लोगों के साथ तो जुड़े रहे हमारे साथ देखते रदा सुनामी तब तक के नमस्कार खुश रहें स्वस्थ रहें